हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम करण प्रताप एंड आप देख रहे हैं स्मार्ट ब्लॉग। तो आज के जो वीडियो है वो किसी ब्लॉग के ऊपर नहीं है। आज का ये वीडियो उसके साथ 3 से 4 मिनट का होगा। एंड आप पूरा वीडियो देख के जाएं, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। ऐसा नहीं है, अगर मैं आज की जो वीडियो में जो बात आपको बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं धोखा नाम की एक चीज़ होती है वो, या फिर किसी डिप्रेशन में, या फिर किसी मानसिक तनाव में, या फिर टेंशन में बता रहा हूँ। नहीं, ये मैं चाहता था आप लोगों को शेयर करूँ, आप लोगों को मैं बता दूँ। तो मैं सोच रहा था आज अब मैं आपको ये सब बता दूँ। तो सिंपल सा मैं आप लोगों के बताने आया हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में अकेले हो और आप चाहते हो आपके साथ कोई पार्टनर आ जाए, या फिर आप किसी दोस्त के साथ रहना चाहते हो, तो भूल जाओ। दोस्त सबसे पहले उसको बनाओ जो आपका साथ दे सके एंड जो आपसे मतलब रखे, ना कि आपसे फैशन से एंड ना कि आपसे पैसों से। आपके हर बुरे एंड अच्छे काम में संग दे, क्योंकि तो बुरे काम भी हम कभी बार कर जाते हैं, तो उस काम में भी हमारे दोस्त संग देते हैं एंड काफ़ी लोग साथ दे देते हैं हमारा। बट काफ़ी लोग वहाँ आपको समझाते भी हैं, वो होते हैं आपके सच्चे दोस्त। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है, अगर आप किसी को चाहते हो एंड अगर वो आपको छोड़ जाए, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, दारू पीने लग जाते हैं, शायर बन जाते हैं, या फिर कुछ भी कर जाने लगते हैं। भाई ऐसा मत करो, अगर कोई छोड़ जाता ना, तो अपने अंदर एक चीट ठान लो कि मैं अब कुछ ऐसा करूँगा कि ये छोड़ने वाला पकता है कि मेरे को ही क्यों छोड़ा। आप अपने जीवन में इतनी स्ट्रगल करो भाई, इतना स्ट्रगल करो, आपके आने वाला करियर, आपका आने वाला फ्यूचर इतना स्ट्रांग बन जाए कि जिसने आपको छोड़ा है वो देख के बोले कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, पछताए। मतलब वो आपसे दोबारा बात करे तो आप में एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए उस टाइम, आप बड़े आराम से घमंड से कह सको कि निकलो यहाँ से। सीधी बात है, मतलब किसी के पीछे तो लाइफ में रोना नहीं है, और अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करना भाई किसी के पीछे। सबसे पहली बात है, अगर आप लोग चाहते हो कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। जैसे आप फैज भाई की वीडियो देख लो, फैज मेमो, जिनका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप लोग देख सकते हो। तो उनकी आप पहले वीडियो देख लो, फिर आप फकत इश्क के हाथों मजबूर होकर मोम की तरह पिघले हैं, वरना मिजाज हमारा शुरुआत से ही पत्थर वाला रहा है। जुटा चुका हूं जो मैं हिम्मत अपनी मोहब्बत का उससे इजहार करने के लिए, बदलाव अच्छा खासा आने वाला है जिंदगी में, उसकी हाँ पर भी उसकी ना पर भी। आप लोगों ने देखे फैज मेमून भाई के नंबर वन की बात बताते हैं भाई, मेरे तो फेवरेट हो चुके हैं, मैं जब से इनकी वीडियो देखा हूँ भाई। क्या मतलब रह गया उन तस्वीर का जिंदगी में, जिनका कोई मतलब ही नहीं। आखिरी बात देख के डिलीट कर दो। सिंपल से अगर आपको कोई छोड़ जाता भाई, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। आपके घर वाले भी हैं, काफ़ी लोग हैं, तो उनका आप साथ दीजिए, आप किसी के पीछे मत भागिए। सीधी बात यह है, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना चाहता था कि अपनी लाइफ में केवल अपने आप को ज़्यादा अहमियत दो, किसी को ज़्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर अहमियत हजम नहीं कर पाते हैं, उनको ये ज़्यादा मिल जाए तो सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब से हमारी ज़िंदगी में आते हैं, मतलब निकलते हैं, निकल जाते हैं, ऐसा ही होता है। काफ़ी लोगों के साथ हुआ होगा, जो वीडियो देखें उनके साथ हुआ होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बस आप लोग जो है थोड़ा स्ट्रांग रहें, थोड़ा केयरफुल रहें, अच्छा रहता है। तो सिंपल सा छोटा सा संदेश देना था मेरे को, जो मैंने आप लोगों को दे दिया। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड कमेंट में बता देना ये आपको बातें अच्छी लगी या नहीं। तो मैं सोचूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कुछ और करने की, क्योंकि आजकल मैं सोचने लग गया हूँ, ऐसा कुछ करने लग जाऊँ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो भाई अपना तो ये बंदा किसी पीछे भागने का नहीं, अपना करियर बनाओ, अपना भविष्य सुनाओ, ताकि वो भगे। आप लोगों ने एक देखी होगी वीडियो ठुकरा के मेरा प्यार मेरी UPSC देखेगी, वो वाला सिस्टम कर लो आप अपना। बस ठीक है, हो गया आज, काफ़ी हो गया। नहीं तो दूसरे वीडियो में, टेक केयर।